हे गाइस, तरुण एयर। तो एप्पल ने अपना मैकबुक एयर M1 जो है ऑलमोस्ट 4 साल पहले लॉन्च किया था। ये जो है 2020 में लॉन्च किया गया था और मेरे हिसाब से एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था लैपटॉप के मामले में। और इस बार इसकी सेल्स में ये लैपटॉप जो अराउंड 50 से 55,000 का मिल रहा है। मुझे ये लैपटॉप यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल बीत चुके हैं और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि 50 से 55,000 की प्राइस कैटेगरी में आज भी अनबीटेबल है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसकी सबसे ज़्यादा पसंद है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। ये एक फुल्ली एल्यूमिनियम बेस्ड लैपटॉप है जो कि एक मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन के साथ आता है और जब भी आप इसको अपने हाथ में लोगे तो आपको फील आ जाएगा कितना स्टर्डी और कितना सॉलिड इसकी बिल्ड क्वालिटी है। जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि ये मेरा लैपटॉप अराउंड 1.5 से 2 साल पुराना है लेकिन आज भी देखने में कितना नया और कितना अच्छा लग रहा है। और इसकी हिंज की क्वालिटी भी टॉप नॉच है, आप इसको आराम से सिंगल हैंड से ओपन भी कर सकते हैं। और जहां तक लुक्स की बात करें तो एप्पल का कोई प्रोडक्ट आप उठा लो, लुक वाइज बढ़िया होता ही है। ये लैपटॉप भी जो है बहुत ही प्यारा लगता है देखने में, बहुत ही क्लासी इसकी डिजाइन है, बहुत ही अच्छी लगती है सामने से। और जहां तक परफॉर्मेंस की बात करें तो इस प्राइस कैटेगरी में मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लैपटॉप है। अगर आप जनरल डे टू डे टास्क करते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक एम्प्लॉई हो जो ऑफिस वगैरह जाते हो, तो आपको यूजुअली मल्टीपल टैब में ब्राउजिंग वगैरह करना पड़ता है, एमएस ऑफिस का यूज करना पड़ता है, एक्सेल यूज करना पड़ता है, वर्ड यूज करना पड़ता है, मेल वगैरह करने पड़ते हैं, मीटिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो इन सब चीजों के लिए जो है ये लैपटॉप बहुत ही बटरी स्मूथ रहने वाला है। आपको कहीं पे भी कोई जो है मल्टीटास्किंग करते टाइम कोई भी लैग वगैरह एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको कोडिंग वगैरह भी इसमें बहुत अच्छी एक्सपीरियंस देने वाली है। और अगर आप एक क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हो जिनको वीडियो और फोटो एडिटिंग करना पड़ता है तो उनके लिए भी मैं बता दूं बहुत ही अच्छी जो है ये प्रोपोजिशन है 50 से 55,000 की प्राइस कैटेगरी में। यहाँ पे आपको वीडियो एडिटिंग में कोई भी लैग वगैरह नहीं देखने को मिलता। जैसा आप अभी देख सकते हो मैंने जो है इसमें A7S3 की 10-bit फुटेज रन करा के चेक किया है और वो ईजिली जो एकदम बटरी स्मूथ इसमें चलती है। बस ये एक चीज़ में लैग करता है, वो है इसका ग्राफिकल परफॉर्मेंस। अगर आप एक एनिमेटर हो या फिर आपको जो है कैड या किसी ऐसी चीज़ का यूज़ करना है जो कि बहुत हैवी GPU का डिमांड करती है तो वहाँ पे ये लैग कर जाता है। ये GPU इंटेंसिव टास्क के लिए नहीं बना है तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको लैग देखने को मिलता है। तीसरी सबसे अच्छी चीज़ इसकी है बैटरी लाइफ। भाई बैटरी लाइफ तो विंडोज़ में आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा आपको इस लैपटॉप में मिल जाएगी। ये अराउंड 7 से 8 घंटे तक की आपको बैटरी लाइफ दे देता है। अगर आप एक जनरल जो है टास्क इसमें करते हो तो ऑफिस वगैरह यूज़ करते हो, आप ब्राउजिंग वगैरह करते हो, तो मैं जो है इस लैपटॉप को यूजली 2 से 4 घंटे पर डे यूज़ करता हूँ। तो 2 से 4 घंटे पर डे यूज़ करने पे मुझे 2 से 3 दिन बाद इसको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती थी। जो बैटरी लाइफ के मामले में मेरा एक्सपीरियंस इस लैपटॉप में बहुत ही अच्छा रहा। आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है, आपको ये डर नहीं होता कि अरे यार मेरा जो काम मैंने कर रखा है वो अधूरे में छूट जाएगा या फिर बैटरी एकदम से बंद हो जाएगा लैपटॉप, या आप चार्जर के लिए पैरानॉइड नहीं होते हो कि अरे यार फट से चार्जर मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हैसल इसमें नहीं देखने को मिलेगा जो कि विंडोज के इस प्राइस कैटेगरी कि किसी भी लैपटॉप में आपको नहीं एक्सपीरियंस होने वाला है। जहां तक डिस्प्ले की बात करें तो आपको एक बहुत ही बढ़िया IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है जिससे कलर रिप्रोडक्शन वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। ये एक ग्लॉसी IPS पैनल है जो वैसे अगर आप इंडोर वगैरह में देखोगे तो आपको मूवी वगैरह देखने में काम करने में बहुत मजा आएगा क्योंकि ग्लॉसी होने की वजह से जो है कॉन्ट्रास्ट रेशियो, ब्लैक लेवल और कलर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि अगर आप आउटडोर यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है क्योंकि ग्लॉसी है तो रिफ्लेक्ट करेगी इसकी स्क्रीन। ये सारे इसके प्रोज हो गए लेकिन यार कोई भी चीज़ जो है परफेक्ट नहीं होती है, इसमें भी कुछ कॉन्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैंने ऑब्जर्व की वो है इसकी इंटरनल मेमोरी। इसमें आपको 256 GB की मेमोरी मिलती है जो कि मेरे हिसाब से आज के डेट में बहुत कम है। आप बस खाली कुछ प्रोग्राम वगैरह इंस्टॉल करोगे तो ऑलमोस्ट ये मेमोरी फिल हो जाएगी। आपको कोई भी अपना पर्सनल डेटा जो है आप इसके इंटरनल मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते हो और आपको पर्सनल डेटा जो है स्टोर करने के लिए अलग से एक हार्ड डिस्क खरीदनी ही पड़ेगी। और सेकंड सबसे इरिटेटिंग पार्ट है इसके पोर्ट्स। इसमें बहुत कम पोर्ट्स दिए हुए हैं, सिर्फ 2 थंडरबोल्ट पोर्ट दिए हुए हैं, तो मतलब डोंगल आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप इसको प्रॉपरली यूज करना चाहते हो क्योंकि भाई एक पोर्ट में तो आप चार्जिंग के लिए कभी कभी लगाओगे। तो ये दोनों चीजों का कॉस्ट भी जो है आप इसके बेसिक कॉस्ट में जरूर से एड ऑन कर दो क्योंकि यहां पे इन दोनों चीजों के बिना जो है लैपटॉप को यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक डोंगल आप दो या 3,000 रुपए का समझ लो और आपको एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी जो भी 4 से 5 हज़ार रुपये की पड़ेगी। तो ओवरऑल 7-8 हज़ार रुपये जो है इससे टोटल कॉस्ट बढ़ जाता है इसकी वजह से। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो है ये लैपटॉप 50 से 55 हज़ार की प्राइस कैटेगरी में आपको एक अनबीटेबल जो है परफॉर्मेंस दे रहा है और बहुत ही बेहतरीन बैटरी लाइफ दे रहा है जो कि एक बहुत ही अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन होता है 2024 में भी। अगर आपका काम जो है ऑफिस वर्क है, आप स्टूडेंट हो, असाइनमेंट वगैरह बनाते हो या फिर आप कोडिंग वगैरह करते हो तो आप आँख बंद करके इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हो, आप रिग्रेट नहीं करने वाले।
वाले हो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं ये वीडियो यही एंड करूंगा। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।